हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अब न होगा बैंगन का दरवाजा बंद। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है, पर हम बैंगन के साथ बहुत सारी सब्जियों को और मसालों को मिक्स और मैच करके हम इसे अपने रंग में रंग सकते हैं। तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन आलू की सब्जी या ब्रिंजल पोटैटो की सब्जी। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक तुरंत पहुंच सके। बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, साबुत जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये मैंने एक्स्ट्रा पंच देने के लिए पाव भाजी मसाला लिया है, 3 बैंगन लिए हैं और 2 छोटे आलू लिए हैं, तो 1 प्याज कटा हुआ, 1 टमाटर कटा हुआ, हरा धनिया और तेल मैंने लिया है। फ्रेंड्स, ये मैंने आलू और बैंगन मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है और साथ में मैंने थोड़े फ्रोजन मटर भी लिए हैं। आप सीजन है तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम किया है। अब हम उसमें डाल देते हैं थोड़ा साबुत जीरा और साथ में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कटे हुए आलू। आलू मैं इसलिए पहले ले रही हूँ कि आलू को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें अच्छा गुलाबी कलर आने तक सौते कर लेंगे। और यदि हम आलू के साथ टमाटर डाल देते हैं तो फिर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है आलू को पकने में और बाकी सब्जियां जल्दी पक जाती है, बैंगन भी जल्दी पक जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सब्जी मुझे खुद को ही बहुत कम पसंद थी, पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इस तरह से इसमें बहुत सारी सब्जियों को मिक्स और मैच करके उन्होंने मुझे इस सब्जी को खाना सिखाया है और वही लेगेसी मैं अपने बेटे के साथ भी पसंद कर रही हूँ। मेरे बेटे को मैं उसमें पाव भाजी मसाला, कभी दाबेली मसाला या कभी हम क्या तो मैगी मसाला भी मैं डाल देती हूँ कभी कभी, और वो आराम से ये सब्जी खा लेता है। इसके में मैं मटर टमाटर जैसी बच्चों की जो मनपसंद सब्जियाँ होती है वो इसमें डाल के खिला दें तो सभी बच्चे आसानी से ये सब्जी खा लेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने आलू को अच्छी तरह से सौते कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसको साइड में कर देते हैं और अब मैं इसमें डालती हूँ 1 प्याज कटा हुआ। सब्जियों को आप अपने मनपसंद शेप और साइज में कट कर सकते हैं। प्याज डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, अदरक मिर्ची लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इस सब्जी में। इसको भी हम सोते कर लेते हैं। आलू इधर साइड में है और साइड में हम प्याज और अदरक मिर्ची लहसुन को थोड़ा सोते करते हैं, इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी लहसुन की। अब गैस को थोड़ा धीमा कर देती हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा सारे मसाले कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो थोड़ा तेज खाते हैं इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून डाला है। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सॉरी मैंने धनिया पाउडर डाली है, अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून ली है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून हमें लेना है। सबको हम एक बार मिक्स कर देते हैं। मैंने आपको बताया मसाले आप आपके हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी पसंद है। सब्जियाँ भी आप जो पसंद है वो इसमें ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, 1 कटा हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे मटर। मटर बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें और बच्चे बहुत पसंद करते हैं टमाटर और मटर, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये मेरे तो फ्रोजन मटर है, आप कच्चे मटर भी इसमें डाल सकते हैं, फ्रेश मटर। सबको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देते हैं बैंगन, इसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही लजीज दिख रही है सब्जी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप चाहे तो इसे इसी तरह ढककर और सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, और थोड़ी सी तरी वाली सब्जी आपको पसंद है तो हम इसको थोड़ा पानी डाल लेते हैं, 1/2 कप पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे साथ में।
मतलब सारी सब्जियां एक साथ पक जाएगी। नमक मिला दिया है, अब हम इसको ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। फ्रेंड्स अब 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी खोलकर देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार हो गई है। एकदम खुशबू तो इतनी आ रही है कि अभी से भूख बढ़ गई है मेरी। अब हम इसमें डाल देते हैं एक्स्ट्रा पंच, ये हमारा पाव भाजी मसाला। आप आपकी इच्छा अनुसार, मैंने बताया आपको, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, किचन किंग मसाला, आप चाहे जो डाल सकते हैं इसमें। और बहुत ही अब खुशबू और बढ़ गई है इस मसाले से, पाव भाजी मसाले से इसकी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। डंडी का फ्लेवर मुझे हरा धनिया का बहुत पसंद है, इसलिए ऐसी ग्रेवी वाली सब्जियों में पहले मैं हरे धनिया की बारीकी जो धनिया कटी होती है इसको, और साथ में थोड़ा हरा धनिया भी, सबको मिक्स कर देते हैं। और अब गैस बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारी बैंगन आलू एग प्लांट पोटैटो करी रेडी है, इसे मैंने अनियन रिंग से गार्निश किया है। फ्रेंड्स तो अब ये बैंगन आलू की सब्जी सभी को बहुत पसंद आएगी। अब तो नहीं होगा ना बैंगन का दरवाजा बंद, तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।